हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। हम पढ़ रहे थे रिवर्स के बारे में। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया शुरू किया हुआ था, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। वो स्टूडेंट जो पहला पार्ट वीडियो का नहीं देखे तो ज़रूर देखिए। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। फिलहाल आप मैप देख लीजिए, इंडस रिवर सिस्टम जो है उसका आप देख लीजिए। यहाँ से जो है वो इंडस शुरू होता है, यहाँ से होते हुए लद्दाख में आता है, लद्दाख से फाइनली पाकिस्तान जाता है और फाइनली जो है वो अरेबियन सी में जो है वो चला जाता है। इसी मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ क्योंकि हमें इसकी ट्रिब्यूटरीज भी पढ़नी है। आप देखेंगे ये इंडस रिवर है, इंडस रिवर आ रहा है, इसी में जो है जेहलम रिवर आ रहा है, चिनाब रिवर आ रहा है, रावी रिवर आ रहा है, सतलुज रिवर आ रहा है और यहाँ से ब्यास भी आ रहा है। तो ये सारी जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज होगी। इन ट्रिब्यूटरीज के बारे में भी क्वेश्चन आता है इंडस रिवर सिस्टम में, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन ट्रिब्यूटरीज को पढ़ना। तो स्टार्ट करेंगे हम इस वीडियो को। तो इससे पहले वो स्टूडेंट जो अभी तक हमारे फेसबुक पे से नहीं जुड़े हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। स्टडी मटेरियल के लिए वेबसाइट पे आना होगा आपको। चलिए इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम का दूसरा नाम जो होता है वो क्या है, सिंधु रिवर। सिंधु रिवर का एक वैदिक नेम जो है, इसको वैदिक में सिंधु कहते हैं। ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ये ओरिजिनेट होता है नियर द माउंट कैलाश माउंटेन्स एंड फ्लोज ईस्टवर्ड फॉर 2900 किलोमीटर बिफोर एम्प्टिंग इनटू द अरेबियन सी। अब देखिए लेट अस सपोज जो है ये हमारा माउंट जो है वो कैलाश है, ये तिब्बत में है। आपने देखा ब्रह्मपुत्र भी यहीं कहीं से जो है वो चमयांगदंग ग्लेशियर और अंसल ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है। ये ब्रह्मपुत्र ऐसे चलता है और इंडस रिवर सिस्टम भी कहीं यहीं से जो है माउंट कैलाश से जो है वो निकलता है, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो होती है अपोजिट होगी इससे। तो ये भी सेम डायरेक्शन माउंट कैलाश से जो है वो निकलता है और फाइनली कहाँ पर जाता है, अरेबियन सी में जाता है। द इंडस रिवर राइजेज फ्रॉम बोकर चू ग्लेशियर। अच्छा, तो वो कौन सा ग्लेशियर है जहाँ से इंडस रिवर जो है वो निकलता है, ओरिजिनेट होता है, बोकर चू ग्लेशियर है। ये ग्लेशियर कहाँ पर है, माउंट किस माउंटेन पे है, माउंट कैलाश पे है, कैलाश माउंटेन पे तिब्बत में बोकर चू ग्लेशियर है जहां से इंडस रिवर निकलता है। और ये जो है इट ड्रेन्स मोस्ट सिग्निफिकेंट ग्लेशियर ऑन एंड द माउंटेन स्लेप। तो कहां से होते हैं, करोक्रम, लद्दाख, जास्कर और हिमालयन रेंजेस से जो है वो ड्रेन करता है अपने साथ साथ जो भी सेडिमेंट्स हैं। इट फ्लोज इन द नैरो वैली नॉर्थ वेस्टवर्ड थ्रू द तिब्बत। तिब्बत से जो है ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ जो है ये आता है, जहाँ पर तिब्बत में इसका नाम जो है सिंगी खम्बन कहा जाता है, लाइन्स मौत भी से कहा जाता है। पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ। देखिए इंडस रिवर का जो तिब्बत में नाम है सिंगी खम्बन कहा जाता है और लाइन्स मौत भी जो है वो इसे कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में हम पढ़े थे कि उसे तिब्बत में टी सेंगपो या लंग जेम्पो कहा जाता है, इसी तरीके से इंडस के लिए भी याद रखेंगे सिंगी खम्बन और लाइन्स मौत जो है इसे कहा जाता है। इट फॉलोज ए लॉन्ग नियरली स्ट्रेट कोर्स। तो ये जो है लॉन्ग एंड स्ट्रेट कोर्स को जो है वो फॉलो करता है बिटवीन द लद्दाख एंड द जास्कर रेंज इन लद्दाख। तो सपोज ये लद्दाख रेंज है, जास्कर रेंज है, इनके बीच में से जो है ये फ्लो होता है। इट एंटर्स इन टू द पाकिस्तान नियर चिलर इन द दार्दिस्तान रीजन। अब पाकिस्तान के चिल्लर जो कि दार्दिस्तान रीजन में है वहां पर यह एंटर होता है। इंडिया में लद्दाख में एंटर होता है, पाकिस्तान में दार्दिस्तान के रीजन में जो है यह एंटर होता है। टोटल लेंथ की बात करूंगा 2880 किलोमीटर जो है वो एनसीईआरटी में दी गई है इसकी टोटल लेंथ, और इंडिया में उसमें से जो है 709 किलोमीटर जो है इंडिया में जो है ये फ्लो होता है। इंडिया का सिर्फ जो है वो जम्मू कश्मीर के पार्ट लद्दाख जो कि एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है वहीं से जो है ये पास होता है। जानेंगे इंडस रिवर से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, उससे पहले आप ये मैप देख लीजिए। मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये जो ब्लू में है ये हमारा इंडस रिवर है। आप देखिए ये हमारी लद्दाख रेंज है, ये हमारी जास्कर रेंज है, तो इनके बीच में से यहाँ से एक छोटा सा जास्कर रिवर भी चल रहा है, तो इनके बीच में से इंडस यहाँ से होते हुए जो है वो बेंड करता है और फाइनली जो है ये पाकिस्तान जो है जाता है। तो इसमें जो है लद्दाख रेंज जास्कर रेंज के बीच में से फ्लो करता है। अब बहुत से यहाँ पर ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन होती है, जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर से एक जो है वो शयोक रिवर निकल रहा है, सियाचिन ग्लेशियर जिसे वाटर सप्लाई करता है, और फाइनली जो है ये शयोक रिवर जो है वो किससे मिल रहा है, इंडस से मिल रहा है, तो ये इसकी ट्रिब्यूटरी कहलाएगी। इसी तरीके से यहाँ
रिवर जो है वो शयोक रिवर में मिल रहा है, और फाइनली ये भी जो है किस में, इंदस में मिल रहा है, तो ये भी इसकी जो है ट्रिब्यूटरी कहलाती है। फिर कारगिल के पास सुरू रिवर है, ठीक है, सुरू रिवर भी जो है फाइनली इसी में मिल रहा है, इंदस में। अब देखेंगे ये जास्कर जो है वो रिवर है, यहाँ से जास्कर रिवर भी इंदस में मिल रहा है। तो इस तरीके से बहुत से ऐसे रिवर्स जो है वो यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये इसकी ट्रिब्यूटरीज होगी जो कि हम आगे पढ़ेंगे भी। अभी फिलहाल मेरा जो अभी मकसद था वो सिर्फ मैप दिखाना आपको था कि ये हमारी लद्दाख रेंज है, ये हमारी जास्कर रेंज है, और इनके बीच में से रिवर इंदस फ्लो करता है। तो इंदस रिवर जो है, अब हम समझ चुके हैं कि इंदस रिवर जो है अपनी जर्नी स्टार्ट करता है माउंट कैलाश से। माउंट कैलाश से जो है वो अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, वहाँ पे ग्लेशियर से जो है वो निकलता है और फ्लो करता है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। आफ्टर एंटरिंग इंडिया, इंडिया में जो एंटर करता है कहाँ पर, लद्दाख में एंटर करता है, लद्दाख रेंज।
तावे की बात करेंगे, ये फाइनली चिनाब में मर्ज होते हैं और अल्टीमेटली चिनाब जो है सतलुज में मर्ज होता है। सबसे पहले मैंने आपको एक फिगर दिखाई थी मैप की, जहाँ पर आप अच्छे से देखे होंगे कि कैसे सतलुज रिवर में चिनाब मर्ज हो रहा है और फाइनली जो है वो कराची चला जाता है। 2021 की ही बात है, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने 850 मेगावाट का रेटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है चिनाब रिवर पे बनवाया है, जो कि किश्तवाड़ रीजन में है। रेटल पावर हाइड्रोलिटिक पावर प्रोजेक्ट, इस तरीके की अगर हम बात करेंगे बहुत से ऐसे चिनाब रीजन पे जो है वो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अभी रिसेंट है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसी की बात कर रहे हैं। ऐसे तो हमारे यहाँ पर जो है वो बहुत से पावर प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। अब फिलहाल जो है आप इसके लिए याद रखेंगे, क्योंकि चिनाब रिवर पे जो है ये हमारा हाइड्रोलिटिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं। कुछ और पावर प्रोजेक्ट्स भी हैं जो कि हम सेपरेट जो है वो पावर प्रोजेक्ट की ही जो है वो वीडियो पे जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब जैसे कि हमारा, अगर मैं बात करता हूँ डूल हस्ती जो है वो भी चंद्रा रिवर पे ही है, जो कि ट्रिब्यूटरी है चिनाब रिवर की। ये जो चंद्रा भी हमने पढ़ा, चंद्रा रिवर, इस पे डूल हस्ती है, ठीक है, 390 मेगावाट का है। फिर सलाल जो प्रोजेक्ट हमारा, वो भी चिनाब रिवर पे है, रियासी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बगलिहार भी जो है चिनाब रिवर पे ही है। रेडा भी हमने देखा, जो कि द्राबशाला किश्तवाड़ में, जब हम चिनाब रिवर तो अलग से पढ़ेंगे, सेपरेट पढ़ेंगे, तो उसमें हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप रावी रिवर के बारे में पढ़िए। रावी रिवर आप जानते हैं जम्मू कश्मीर और जो है बॉर्डर पे पड़ता है पाकिस्तान के। रावी रिवर जो है वो ओरिजिनेट होता है रोहतांग पास में, इन कुल्लू हिल्स में, हिमाचल प्रदेश के। कहाँ से ओरिजिनेट होता है? रोहतांग पास से, कुल्लू हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश से। फ्लो करता है बिटवीन द पीर पंजाल रेंज एंड द धौलाधार रेंज, इनके बीच में फ्लो करता है। रावी रिवर जो है वो एक इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, एक नेचुरल जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। रावी रिवर जो है फाइनली मर्ज होता है चिनाब से, इसकी वजह से ये इसकी एक ट्रिब्यूटरी है। बात करेंगे ब्यास रिवर की। ब्यास रिवर, देखिए ब्यास रिवर जो है ओरिजिनेट तो हिमाचल प्रदेश से होता है, रोहतांग पास से ही, एट द सदर्न एंड ऑफ द पीर पंजाल रेंज, और फाइनली पंजाब से जो है वो फ्लो होता है। ये क्रॉसिस द धौलाधार रेंज को क्रॉस करता है और मीट करता है सतलुज को एट हरी के इन द पंजाब। इट इज रिलेटिवली स्मॉल रिवर है और पूरा इंडियन टेरिटरी में ही जो है ये फ्लो होता है ब्यास रिवर। बात करेंगे सतलुज रिवर की। अभी तक हमने बहुत सी ऐसी ट्रिब्यूटरीज देखी जो फाइनली सतलुज रिवर में जाके मिल रही थी। जैसे हमने ब्यास की भी बात की, ये भी जो है सतलुज में मिल रहा था, चिनाब भी जो है इसमें आके मिल रहा है। तो सतलुज रिवर जो है ये कहाँ से राइज होता है? ये मनसरोवर लेक से जो है वो राइज होता है तिब्बत में, नियर द माइटी इंदस रिवर। सपोज ये इंदस रिवर है और यहीं पर कहीं सतलुज भी जो है वो यहीं से जो है वो ओरिजिनेट हो रहा है। तो इट स्टार्ट दी जर्नी नॉर्थ वेस्ट, अपनी जर्नी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में चलता है और एंटर करता है इंडिया में, कहाँ पर? शिपकिला पास में, ऑन इंडिया एंड तिब्बत बॉर्डर। इंडिया और जो है तिब्बत का जो बॉर्डर है वहाँ पर शिपकिला पास में जो है ये एंटर करता है सतलुज रिवर। कैसे याद रखेंगे? एस से सतलुज, एस से शिपकिला, ठीक है, तो ये याद रखिए आप। इट पासिस थ्रू द ग्रेट हिमालयाज मेकिंग डीप गॉर्जेस एंड एंटर करता है पंजाब प्लेन्स में एट द नंदा देवी धार, जहाँ पर फेमस भाखड़ा डैम जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो भाखड़ा डैम बहुत इंपॉर्टेंट डैम भी है, आप जानते हैं, क्योंकि अलग से पढ़ेंगे हम डैम्स में। ब्यास जो है वो ज्वाइन करता है सतलुज रिवर को एट हरी के इन पंजाब। सतलुज जो है द रिवर फॉर्म द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान ड्यूरिंग इट्स फ्लो इन द पंजाब स्टेट। तो सतलुज में एक इंटरनेशनल बाउंड्री बना रहा है। अब बात करेंगे हम इंदस रिवर सिस्टम में, इंदस वाटर ट्रीटी की। देखिए इंदस वाटर ट्रीटी जो है ये सितंबर 1960 में साइन की गई है, जो कि वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान थे, इनके बीच में इंदस वाटर ट्रीटी करवाई गई थी। इंदस वाटर ट्रीटी क्या है? IWT एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आप जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री बहुत से रिवर्स बना रहे हैं।
अब वो रिवर्स जो है एक नेचुरल चीज़ है, एक नेचुरल रिसोर्स है, ना ही वो इंडिया का है ना ही वो पाकिस्तान का है, वो इंडिया से होते हुए पाकिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए अरेबियन सी, तो ये जो है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ को पास करते हुए एक नेचुरल बाउंड्री बना रहा है। अब इस वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि जिस कंट्री के आसपास से पास हो रहा है तो उस कंट्री का वो कैसे यूज़ करेंगे उस वाटर का। तो इस पे जो एक माहिदा किया गया, एक ट्रीटी की गई जो कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के बीच में सितंबर 1960 में की गई। तो ये ट्रीटी जो करवाने वाले थे वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इन्होंने करवाई थी। इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो डिवाइड करती इंडस रिवर सिस्टम को इनटू टू रिवर सिस्टम, दो रिवर सिस्टम में इसको डिवाइड करती है, एक ईस्टर्न रिवर है, दूसरी वेस्टर्न रिवर है। ईस्टर्न रिवर में हमारे पास रावी रिवर आता है, ब्यास रिवर आता है, सतलुज रिवर, वेस्टर्न रिवर में इंडस आता है, झेलम आता है, चिनाब रिवर आता है। ट्रीटी टॉक्स अबाउट द अनरिस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ वाटर, ये ट्रीटी किसके बारे में बात करती है कि हमने अनरिस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ वाटर करना है। ईस्टर्न रिवर जो सिस्टम है ये एलोकेट किया गया है इंडिया को, चाहे रावी है सतलुज जो है वो इंडिया इसका यूज़ करेगी अनरिस्ट्रिक्टेड, इंडस है, झेलम है, चिनाब है, ये जो है वो पाकिस्तान इसका यूज़ करेगा। जो वेस्टर्न है वो एलोकेट किए गए हैं पाकिस्तान को, ईस्टर्न जो है वो एलोकेट किए गए हैं इंडिया को। अब बात करेंगे परमानेंट इंडस कमीशन, खाली ट्रीटी नहीं की गई बल्कि एक परमानेंट इंडस कमीशन जो है वो बनाई गई है। इस कमीशन का क्या काम है, ये हर साल जो है वो मिलती है आपस में, दोनों कंट्रीज़ की जो भी इसके कमीशन के कमिश्नर होंगे वो मिलते हैं। एक बाइलेटरल कमीशन है किस किस के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, टू मैनेज द इम्प्लीमेंट गोल्स ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी, के जो इम्प्लीमेंट किए गए थे, गोल्स बनाए गए थे इंडस वाटर ट्रीटी में, उसको मैनेज भी करें, इम्प्लीमेंट भी करें। द कमीशन एज पर द ट्रीटी मीट रेगुलरली एट लीस्ट वंस इन अ ईयर, एक साल में ज़रूर एक बार जो है वो मिलती है, एक बार इंडिया में मिलेगी, एक बार पाकिस्तान में ये जो कमीशन है वो मिलेगी। अब जो लेटेस्ट अपडेट अगर हम बात करते हैं इंडस रिवर सिस्टम पे, इसी कमिटी की बेसिस पे, वो क्या है, देखिए परमानेंट इंडस कमीशन जो है विच कंप्राइज द इंडस कमिश्नर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, अभी रिसेंटली जो है 2022 में अभी कुछ महीने पहले जो है वो मिले, और ये 118वां टाइम था जब वो आपस में मिले हैं। तो इस मीटिंग में इन्होंने क्या काम किया, आप जानते हैं कुछ चेंजेस आई हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, के अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 किया गया है, कुछ नई यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर को जो है डिवाइड करके दो यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया है। तो इंडिया हैज़ अ क्लियर्ड फ्यू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन द लद्दाख यूनियन टेरिटरी, लद्दाख यूनियन टेरिटरी में बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि मैं आपको पूरी डिटेल दे रहा हूँ यहाँ पर, देख लीजिए कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं। एक तो हमारे पास यहाँ पर बना दुर्बुक शयोग 19 मेगावाट का, नीमू चीलिंग जो है 24 मेगावाट का है, शंकु जो है 18.5 मेगावाट का है, फिर रेंगडू 12 मेगावाट का, रतननाग 10.5 मेगावाट का लह में बना है, कारगिल में मंगडम संगारा बना है 19 मेगावाट का, हंडरमैन 25 मेगावाट का, तमाशा 12 मेगावाट का, ये हाइड्रोलिटिक पावर प्रोजेक्ट अभी वो बन रहे हैं। ये लेटेस्ट अपडेट है किसी बुक्स में आपको ऐसा, ठीक है, तो आप ज़रूर इससे फ़ायदा उठाइए। तो वो स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, होम अकेडमी को अभी तक फॉलो नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।